गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमारा चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका था, अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स। रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज गेस हु आई एम। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और आपको गैस करना है कि वो कौन सा एनिमल है। फर्स्ट है आई एम योर फैथफुल फ्रेंड। आई एम, ठीक है, सबसे वफादार जो दोस्त है एनिमल्स में वो कौन होता है, तो वो कौन होता है, डॉग। यहाँ क्या लिखेंगे हम, डॉग। आई लुक लाइक अ बिग कैट। आई हैव स्ट्रिप्स। आई एम एक बड़ी सी बिल्ली की तरह दिखता हूँ और मेरे ऊपर क्या है, स्ट्रिप्स है, तो मैं कौन हूँ, तो लायन, या फिर लायन आप चीता टाइगर तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। I am tall and have a very long neck. ठीक है, मैं बहुत लंबा हूँ और मेरे पास एक लंबी सी गर्दन है। I am a giraffe. ठीक है, जिराफ जो होता है उसकी गर्दन क्या होती है, लंबी होती है और वो ऊंचाई में भी लंबा होता है। I say moo and I give milk. I am a, ठीक है, दूध कौन देता है हमें और जो क्या बोलती है, moo moo. I am a cow, गाय। I am a bird, मैं पक्षी हूँ। I am a good swimmer, मैं बहुत अच्छी तैराकी हूँ, गुड स्विमर हूँ, अच्छे से तैर सकती हूँ। बट आई कॉन्ट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकती हूँ। आई एम अ, है ना, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है और स्विम बहुत अच्छे से करता है, तो डक। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, DUCK, डक। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड टेक द पिक्चर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो भी यहाँ एक पिक्चर दी हुई है उसमें जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, मतलब जो जंगली जानवर हैं, उन पर आपको सर्कल करना है, और जो डोमेस्टिक एनिमल है जिनको हम घर में पालते हैं, जो पालतू जानवर है घरों में रखा जाता है, उनको आपको टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लायन की पिक्चर दिख रही है, लायन क्या है, वाइल्ड एनिमल, तो हमने क्या कर दिया, सर्कल। डॉग, डॉग डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है, पेट एनिमल, इसको पाला जाता है ना घरों में, तो डॉग के यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टिक लगा दिया। फिश, फिश को भी घर में रखते हैं लोग, तो इसको आप क्या कर देंगे, सर्कल। टॉर्टाइस, टॉर्टाइस मतलब कछुआ, बहुत से लोग कछुए को भी रखते हैं घर में, तो आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। हाथी, हाथी क्या है, वाइल्ड एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 आपको बता दिए हैं, बाकी के 1, 2, 3, 4 आपको करना है। ठीक है, जो एनिमल जंगल में रहते हैं, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, उनको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, और जिनको घरों में पाला जाता है उनको आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, जो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हैं, अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे, और अगर वो गलत है तो आप एफ लिखेंगे। फर्स्ट है वी गेट मिल्क फ्रॉम हैंस, हमको दूध मुर्गियों से मिलता है। ठीक है, तो क्या है ये, फॉल्स है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ। फिश इज अ वाटर एनिमल, जो मछली है वो पानी का जानवर है, वाटर एनिमल है। हॉर्स इज अ वाइल्ड एनिमल, घोड़ा जो है वो एक जंगली जानवर है। वी मस्ट नॉट हर्ट एनिमल्स, हमको जानवरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट सही है, हमने चैप्टर को पढ़ा है और इतना तो आप लोगों को भी पता है कि कौन से जानवर किस काम आते हैं और कौन से होते हैं, तो जो सही है उसके सामने आप ट्रू लिखें, टी लिखेंगे, और जो गलत है उसके सामने आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसको करने के लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत रहेगी। ओपन योर ईवीएस नोटबुक, आप अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन डालेंगे। सबसे पहले तो राइट डाउन डेट एंड डे, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम, देन फिर आप फर्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, व्हाट डू शिप प्रोवाइड अस। ठीक है, और फिर जो आंसर की मिली है आपको बुक के साथ, उसमें से आपको आंसर लिखना है। देन 1 लाइन क्रॉस करके आप सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन अपनी क्लास वर्क नोटबुक में कंप्लीट करना है, और बाकी जो एक्सरसाइज है वो आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे और बुक से ही लर्न करेंगे।
यहाँ पर आपका चैप्टर 15 जो है वो कंप्लीट होता है। नीचे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, कलर द टॉर्टोइस गिवन बिलो। आपको नीचे जो टॉर्टोइस दिया है, ठीक है, चैप्टर में भी आपको टॉर्टोइस की पिक्चर दी हुई है, इसके पहले वाले पेज पर भी दी हुई है। अभी हमने जो एक्सरसाइज इसमें सर्कल और टिक करना था उसमें भी आपको टॉर्टोइस की पिक्चर दी हुई है, तो इसमें आपको उसमें से देख कर क्या करना है, कलर करना है, या फिर आप अपनी एज यू विश आप अपनी इच्छा से भी इसको कलरफुल कर सकते हैं। तो ये आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपके जो EVS के चैप्टर्स है वो सारे फिनिश होते हैं बेटा। जो वर्क आपका नोटबुक में कंप्लीट नहीं है वो बुक आपको वो वर्क आपको आंसर की से अच्छे से कंप्लीट करना है, और बुक एक्सरसाइज तो आपको सारी बुक में ही करना है और बुक से ही लर्न भी करना है। अब वन बाय वन आप हर चैप्टर की एक्सरसाइज लर्न करेंगे और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने के बाद आप नोटबुक से लर्न करेंगे। थैंक यू।